फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृति क्राफ्ट। आज मैं फिर आ गई हूँ कुछ नए डीआईवाई के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ। पिछली बार भी मैंने किचन के कुछ डीआईवाई बनाए थे जो कि आपके साथ शेयर भी किया था। जो लोग उस वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज जाकर देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे डीआईवाई हमेशा करता रहती हूँ। तो आइए जानते हैं इस डीआईवाई के लिए मैंने सिंपल शटल क्या किया है। सबसे पहले हम ले लेंगे एक एमडीए बोर्ड लिया है मैंने, या आप चाहे तो हार्ड कार्डबोर्ड शीट ले सकते हैं, या गत्ता जो आता है ना वो ले सकते हैं। मैंने रेक्टेंगल शेप के लिए है और सेमी सर्कल के फोर साइज में फोर लिए हैं। तो ये आप गत्ता का भी बना सकते हैं। मेरे पास एमडीए बोर्ड थे तो मैं किसी कस्टमर के लिए बना रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं एमडीए बोर्ड ही यूज कर रही हूँ। तो इसको मैंने ऐसे अरेंज किया जैसे एक के ऊपर एक कप रखते हैं ना, तो एज ए कप में ये सेमी सर्कल को यूज करने वाली हूँ। तो ये देखिए जैसे मुझे ड्रॉ करना था मैंने वैसे ड्रॉ कर लिया है सारा कुछ। तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है, तो एमडीए बोर्ड के ऊपर भी मैं वैसे ही ड्रॉ कर लूंगी। अब बारी आती है इसे पेंट करने की। तो सबसे पहले मैंने एक्रेलिक पेंट से मैंने इसको ड्रॉ किया है। जो वुडन लुक देना था मुझे, तो इसके लिए मैंने ब्राउन कलर लिया है। डार्क और लाइट दोनों शेड मिलाकर मैंने इसमें वुडन का लुक देने की कोशिश की है। आप चाहें तो बीच बीच में मैंने गोल्डन शेड भी किया था, तो आप गोल्डन शेड भी बीच बीच में कहीं कहीं पे कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके कप्स जो मैंने बनाए थे ना, तो वो मैं कलरफुल ले रही हूँ, वाइब्रेंट कलर ले रही हूँ। जो कि ये किचन में वाइब्रेंट कलर लेने से, या आप किसी भी एलिमेंट्स को वाइब्रेंट कलर डालते हैं ना, तो बहुत ही इनहेंस होता है और आपको एनर्जेटिक फील कराता है। दैट्स व्हाई मैं कलरफुल ले रही हूँ, क्योंकि वुडन कलर है तो उस पर अगर आप कलरफुल लेते हैं ना तो वो बहुत ही उभर के आता है, बहुत ही इनहेंस होता है। इस तरीके से मैंने सब कुछ ऐसे लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैं इसका सेमी सर्कल तो कप तो बन गया है, बट इसके हैंडल्स के लिए तो मैंने ऐसे ही एक्रेलिक पेंट से वहीं पे पेंट कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसको, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा क्रिएट करना चाहते हैं। मैं ऐसे ही चाह रही थी इसलिए मैंने ऐसे ही पेंट करके इसको क्रिएट कर दिया है। तो ऐसे ऐसे डीआईवाई में बहुत सारे बनाते रहती हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि तभी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ एक्रेलिक पेंट से ही कर दिया है। तो आप जो देख सकते हैं, और मेरे साथ क्या हो रहा है ना कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते तो जरूर हैं, व्यूज थोड़े बहुत आ जाते हैं, बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट करके लाइक करके मुझे बताते नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं मेरा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो प्लीज अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं आगे क्या करते हैं। तो मैंने सारा कुछ पेंट कर लिया है। पेंट को सूख जाने के बाद, कुछ घंटों के बाद, आप एक कोट वार्निश का एक कोट जरूर अप्लाई करें, क्योंकि उससे एक शाइन आ जाती है, मैंने हमेशा से बोला है। और पेंट को परमानेंट करने के लिए वार्निश अप्लाई हम करते हैं। उसको सूख जाने के बाद फिर मैंने दोनों साइड में होल कर दिया है जो आप देख रहे हैं। और उसके बाद फिर उसको हैंग करने के लिए मेरे पास लेसेस थे, मल्टी कलर के लेस थे, तो कप्स मल्टी कलर के थे, तो इस तरीके से मैंने उसको भी लगा दिया है। और लेसेस में रेशा ना निकले, उसके जितने भी होते हैं कट करती हूँ तो रेशे होते हैं, तो उसके लिए मैं लाइटर की हेल्प से उसको भी जला लेती हूँ, तो वो लॉक हो जाता है। तो ये देखिए फाइनल रिजल्ट। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वाले डीआईवाई कैसे लग रहे हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। इसे बनाने के लिए मैंने वन सेकेंड फिर से एमडीए बोर्ड लिया है, वो आपके ऊपर है, या हार्ड कार्डबोर्ड शीट भी ले सकते हैं। तो जो भी कलर मुझे चाहिए था मैंने एक्रेलिक पेंट के थ्रू इसको कलर कर लिया है, और जो भी डिजाइन चाहिए था वो भी ड्रॉ कर लिया है, जो कि बहुत लाइट शेड में है, जो आपको पता नहीं चल रहा होगा कैमरे पर, बट रियल में मुझे दिख रहा था। तो मैं आराम से जो भी कलर मुझे चाहिए थे मैं फटाफट एक्रेलिक पेंट से ही मैं करती चली गई हूँ। तो ये सारा आइटम मैं ना किचन के ही बना रही हूँ। किचन को सारा कलरफुल बनाने का मैंने सोच के रखा था,
कि कुछ कलरफुल बनाऊंगी, तो एक्चुअली ये मेरे किसी कस्टमर के लिए है, तो उन्हीं के लिए बना रही हूँ। तो आप अपने लिए भी इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ एक्रेलिक पेंट से क्रिएट कर दिया था। तो ये एक्चुअली फ्रिज मैग्नेट है, तो हम जो भी बना रहे हैं किचन के ही एलिमेंट्स बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये येलो रखा, क्योंकि फ्रिज के कलर ज्यादातर डार्क ही होते हैं, तो उनके फ्रिज के कलर भी डार्क है, तो मैंने लाइट शेड ही दिया है। और ये मैंने कोटेशन अपना डाल दिया है, काउंट द मेमोरीज नॉट द कैलोरीज। और फिर मैग्नेट के लिए, ये मैग्नेट आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती है, या फिर अमेजोन पे भी मिल जाती है, या फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन में आप कहीं भी देख सकते हैं, मिल जाती है। और मैग्नेट को मैंने ग्लू के हेल्प से स्टिक कर दिया है, ये आराम से स्टिक हो भी गए थे। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आगे भी बने रही है, क्योंकि नेक्स्ट डीआईवाई भी बहुत इजी प्रोसेस में मैंने बनाया है। इसके लिए भी मैंने एमडीए बोर्ड लिया है, या तो फिर हार्ड कार्डबोर्ड शीट। उसको मैंने ऐसे ही एक्रेलिक पेंट से, जो भी कलर मुझे चाहिए थे ग्रीन और लाइट ग्रीन शेड में, तो मैंने वैसे कलर कर लिया है। फिर क्ले लिया, क्ले को मैंने सर्कल शेप में कर लिया था, और कुछ घंटों के लिए सूखने दिया है, और जो ड्रॉ करना था मैंने ड्रॉ भी कर लिया, और उसके बाद फिर एक्रेलिक पेंट से ही मैंने इसको पेंट कर लिया है। तो इस तरीके से आप इसको, आपके ऊपर है आप कैसा बनाना चाहते हैं। तो मैं ये मम्मी का लुक देना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने छोटा सा ये स्टोन होगा तो आप स्टोन भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास स्टोन नहीं थे तो मैंने क्ले ही यूज किया है। तो ये देखिए, मैंने एमडीएफ बोर्ड पे ब्लैक से मैंने पेंट कर लिया है हेयर को, और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से रख दिया है ताकि एक फेस का लुक आ जाए इसका। और एक्रेलिक पेंट से ही मैंने सारा कुछ चेहरा का बनाया है, जो भी नैन नक्स होते हैं ना, तो सारा कुछ मैंने एक्रेलिक पेंट से ही बनाया है। तो इस तरीके से मैंने सारा फ्रिज मैग्नेट बना लिया है। और पिछले में भी मैंने किचन के कुछ बनाए थे, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं कि मैंने क्या बनाया था। तो मेरे जो भी अभी तक मैंने डीआईवाई बनाया है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे हैं, कौन से सबसे ज्यादा अच्छे लगे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरीके से मैंने व्हाइट कलर लिया था एक्रेलिक पेंट, और इस तरीके से मैंने इसको भी कलर कर दिया था, क्योंकि नीचे मुझे कुछ कोटेशन लिखना था, तो उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने लाइट शेड दिया था, और उसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैंने परमानेंट मार्कर ले लिया, और उसको चारों तरफ मैंने उसी से एक बॉर्डर बना दिया था। तो एक फ्रेम के रूप में ये क्रिएट हो गया था, और उसमें जो भी मुझे लिखना था मैंने उसमें भी लिख दिया था, माय किचन माय रूल। और फिर इसे सूख जाने के बाद कुछ घंटे तक सूखने देंगे, उसके बाद फिर मैंने वार्निश अप्लाई कर देना है। तो सारे कुछ मैंने वार्निश सब कुछ अप्लाई कर दिया था। तो ये देखिए बनके हो चुकी है रेडी। और मैग्नेट एज यूजुअल, पहले भी अब मैंने दिखाया ही है, मैग्नेट ग्लू की हेल्प से वहां पर हम स्टिक कर देंगे। तो ये स्टिक हो गई है। मैंने तो सारे डीआईवाई बना लिए हैं किचन के लिए, तो आप कब बना रहे हैं अपने डीआईवाई अपने किचन के लिए? तो जल्दी से अपने किचन को भी डेकोरेट कर लीजिए और कलरफुल बना लीजिए। तो मिलते हैं कुछ नए डीआईवाई के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ अगले वीडियोस में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।